The resultant of P and Q is R. The magnitude of Q is doubled. Magnitude of resultant is also doubled. When direction of Q is reversed from initial condition, then magnitude of result is again doubled. Find P, Q, R. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या गिवन है? R vector is equal to P vector plus Q vector. तो mod of R vector क्या देगा? Magnitude of R vector. ये देगा इसका square अगर मैं देखूँगा, तो देगा equal to mod of P vector का square. तो mod of P square plus mod of Q square. फिर अगर plus में 2 times of mod of P into mod of Q. अगर इन दोनों के बीच में angle P और Q के बीच में angle alpha है, तो जाएगा cos of alpha. ठीक है? फिर हमने क्या करा? Magnitude of Q double किया, तो magnitude of resultant is also doubled. तो ये हमारे पास में equation 1 हो गई. फिर क्या करा? हमने double कर दिया इसका magnitude, तो ये भी double हो गया. तो means अगर हमारे पास में 4 times of magnitude of R का square is equal to magnitude of P का square plus 4 times of magnitude of Q का square. फिर अगर plus में 4 times of magnitude of P into magnitude of Q cos alpha. ये मेरे पास में आ गई equation number 2. ठीक है? अब क्या किया हमने? अब की बार हमने Q की जगह क्या करा? उसे reverse कर दिया. तो Q की जगह minus Q गया, लेकिन still क्या हुआ? Magnitude double ही रहा. तो third equation क्या देगी? 4 times of magnitude of R का square is equal to mod of P vector का square. फिर का plus में mod of minus q vector का square, तो वो भी क्या होगा? mod of q ही के equal ही होगा. फिर आएगा minus में, हमारे पास में आएगा 2 mod of p into mod of q cos alpha, क्योंकि इसी angle क्या हो जाएगा minus करने से pi minus alpha के equal हो जाएगा, तो cos pi minus alpha होता है minus cos alpha. तो ये आ गए हमारे पास में equation number 3. तो ये हमारे पास में 3 equations आ गई हैं. अगर equation 1 और equation 3 को add करेंगे तो क्या आएगा? r square plus 4r square is 5r square. P square plus P square is 2 times of P square. Q square plus 2 square is 2 times of Q square. ठीक है? तो यहाँ से P एक ये आ गया हमारे पास में equation number 4. ठीक है? अब क्या कर सकते हैं यहाँ से अगर हम देखेंगे तो? अब अगर equation 2 और equation 3 को simplify करूँ कैसे? इसमें से मैं फिर से alpha के term को थोड़ा सा separate out करता हूँ. तो क्या हो जाएगा? मैं करूँगा equation 2 में add करूँगा 2 times of equation 3. तो simplify करके value क्या आएगी? सी. तो 4r square plus 2 into 4r square is 12 times of mod of r vector का स्क्वायर. फिर आएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? मोड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर, और आएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मोड पी वेक्टर का स्क्वायर, तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर. फिर आएगा प्लस में 6 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर. यहां क्या 4 और यहां क्या -4, वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू मोड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में. ठीक है? तो ये आ गई हमारे पास में दूसरा रिलेशन. पहला रिलेशन क्या था हमारे पास में? ये था हमारे पास में 5r स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर. अब क्या कर सकता हूं मैं यहां पे? p और q में हमारे पास में दो इक्वेशन है, तो इसका r में रिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं. कैसे? देखते हैं. तो यहां पे है हमारे पास में p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर. तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 5 बोलूं, तो अगर इक्वेशन 4 minus 5 करूं मैं, equation 4 minus equation 5, तो क्या होगा? 2q square से 2q square cancel out हो जाएगा, और बचेगा 2p square minus p square is p square. तो p square is equal to क्या जाएगा? 5r square minus 4r square which is equal to r square. तो mod of p square is equal to mod of r square. Similarly, अब mod p mod r के equal आ गया, तो हमारे पास में mod of q square क्या हो जाएगा? Mod of q square, ये जाएगा 4r square minus r square, क्योंकि p और r same है, तो यहां से जाएगा equal to, ये जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2. तो मोड q की वैल्यू क्या जाएगी? मोड q हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ r. अब हमसे रेशियो पूछा है किसका? p रेशियो q रेशियो r, मोड p रेशियो मोड q रेशियो मोड r. तो अब यहां पे मैं पुट करूंगा, तो p हमें पता है ऐसे ही है, q क्या है? रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ r है, और r किसके इक्वल है? p के इक्वल. यहां पे आ जाएगा ये भी p रेशियो में आ गया. फिर से अगेन मोड r इज इक्वल टू p. पूरी इक्वेशन को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रेशियो क्या आ जाएगा? √2 रेशियो √3 रेशियो √2. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके.